क्या जय भानुशाली का उठा दोस्ती पर से विश्वास, क्या आ गई उनकी दोस्ती में दरार। बिग बॉस से खफा हुए जय भानुशाली, वेल आखिरकार क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बिग बॉस 15 के लाइव फीड में हमने देखा कि जय भानुशाली और नेहा भसीन के बीच में एक काफी सीरियस डिस्कशन होता हुआ आया नजर। दरअसल दोनों कंटेस्टेंट घर के अन्य सदस्यों के बारे में बातें करते हुए आए नजर। उनके इस बातचीत में जय नेहा से कहते हैं कि जय को नेहा से बात करना काफी ज्यादा पसंद है, वो उनकी दोस्त जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके वो उनका साथ दे। दरअसल जय यहाँ पर नेहा से ये बात कहते हैं कि इस घर में अलायंसेस बनाना कोई मतलब नहीं। अगर आप रिश्तों को लेकर चल रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि आपका दोस्त आपके लिए कुछ करेगा, और अगर वैसा नहीं होता तो काफी ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए अब से भाई सब अपना अपना देख लो। मैंने निशान से भी ये बात काफी क्लियरली कह दी है कि वो अब से अपने डिसीजंस ले और अपने तरह से ले जो उसे लेना है। जहाँ पर जय नेहा से ये भी कहते हैं कि निशांत ने भी उनसे ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं अगर आप रिश्ते बनाते हो तो डिसीजंस पर फर्क पड़ता है, आप खुलकर अपनी राय नहीं रख सकते। जहाँ पर नेहा कहती है साथ ही साथ फिर आप हो जाओ रेप्रिक्रेशंस के लिए रेडी। यहाँ पर ये दोनों भी कल जेल वाली टास्क को लेकर डिस्कस करते हुए आए नजर। जहाँ पर कहीं ना कहीं जय भानुशाली को बिग बॉस पर भी आया गुस्सा। जहाँ पर जय नेहा से ये कहते हैं कि यहाँ पर अब सब लोग ग्रुप बनाकर खेल रहे हैं, किसी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है और बिग बॉस भी इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें भी शायद यही चाहिए और मुझे इस तरह की गेम पसंद नहीं जहां पर भीड़ भाड़ में खेलना हो। वाला बिग बॉस के घर में रिश्तों पर से जय का भरोसा उठता हुआ आ रहा है नजर। वहीं अगर कल के टास्क की भी बात करें तो ये डिस्कशन सुनाई दिया था कि शायद प्रतीक सेजपाल को डालने वाले थे वो जेल में, लेकिन स्ट्रैटेजीज की वजह से राजीव को करना पड़ा जेल का सामना। वेल अब क्या बिग बॉस के घर के अंदर जय भानुशाली अपनी अकेली गेम खेलते हुए आएंगे नजर, क्या अब से बदलेंगे जय के रिश्ते। वेल आपका क्या है कहना हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।